क्या हुआ नी? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बीमार हो? नहीं। फिर ऐसे क्यों दिख रहे हो? एनीवे, तो तुम आज नूतन से मिलने गए थे क्योंकि वो झनक की तरह दिखती है। अनी, तुमने मुझसे कुछ दिन मांगे थे ना, क्योंकि तुम इस केस की तह तक जाना चाहते थे। वो दिन अब मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मैं आज ही यहां से जा रही हूं। कहां? क्यों, तुम्हें लगता है कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं? अपनी मॉम के घर जा रही हूं मैं, और सिर्फ अपनी मॉम के पास नहीं जा रही, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। अनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती थी, कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन आज मैं इस डिसीजन पे आई हूं। तुम्हारी सारी फैमिली मुझे रोक रही है, यहां इस घर में रोकना चाहती है, लेकिन मैं अपनी सेंसेस को, अपने इमोशंस को मार के यहां नहीं रह सकती अनी। और अब अर्शी एक बार फिर जाने की बात को लेकर अनी को शायद ब्लैकमेल कर रही है। वो देखना चाहती है कि क्या अनी उसे अब भी रोकेगा, और शायद हाँ, क्योंकि जब तक झनक जिंदा थी तुम उसके साथ रहना चाहते थे, और जब वो मर चुकी है तुम उसकी यादों के साथ वक्त बिताना चाहते हो, और अब वो नहीं सही तो तुम उसकी हमशक्ल के पीछे भाग रहे हो। इतना दर्द मैं नहीं सह सकती अनी। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? हाँ। तो फिर कुछ कह क्यों नहीं रहे? देखो, मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। हाँ, दिख रहा है, और नीचे माँ ने भी बताया। हाँ, मैंने अपनी मॉम को बुलाया है पिक करने। मत जाओ वर्षी। क्यों अनी, तुम सोचते क्या हो मेरे बारे में? मैं इतनी चीप लड़की हूं कि तुम्हारे बोलने पे रुक जाऊंगी, और जब तुम कहोगे मैं यहां से चली जाऊंगी। सब मुझे छोड़ के जा रहे, तुम भी चली जाओगे? और जो अर्शी सोची भी नहीं थी, अब अनी उसे कह रहा है सामने से नहीं जाने के लिए। देखो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, अभी भी कर रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मेरे आसपास मुझे बहुत बहुत अकेला सा फील हो रहा है। प्लीज अर्शी, मुझे छोड़ के मत जाओ। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत सेल्फिश हूं, लेकिन मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, प्लीज मत जाओ। क्यों? क्योंकि अंधेरे में डूबता जा रहा हूं मैं। अनी, तुम अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो, तुमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया है। ऐसी कंडीशन में तुम भाग दौड़ रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तुम्हारी हेल्थ तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। प्लीज अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। देखो, अगर तुम जाना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। स्टिल आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मत जाओ। क्योंकि आज इस दुनिया में झनक नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी याद आ रही है। आज नूतन के पास गए थे, उसने भाव नहीं दिए, इसलिए इस वक्त तुम ये सब बातें कर रहे हो मुझसे। अगर झनक नहीं तो उसकी हमशक्ल सही? और अर्शी बार बार अनी को झनक की याद भी दिला रही है, एक तरह से तो उसे टॉन्ट कर रही है, पर अनी आज ना जाने क्यों इतना बेबस है। अनी, इम्पॉसिबल। बहुत बुरा हूं ना मैं? मैं कौन होती हूँ ये डिसाइड करने वाली? लेकिन हाँ, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। बहुत बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था क्या मतलब अनी? तुम एक लड़की के बारे में सोचोगे और अफेयर दूसरी से चलाओगे? पता नहीं मेरी लाइफ इतनी उलझ कैसे गई, सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स कब बन गया। तुम्हारी लाइफ उलझी है या नहीं मैं नहीं जानती अनी, लेकिन हाँ, तुमने मेरी लाइफ डेफिनेटली बहुत उलझा दी अनी। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी। अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती ना अनी, तो ये दर्द मुझे कभी नहीं मिलता। मेरी और भी फ्रेंड्स ने लव मैरिज किया, उनकी लाइफ तो एकदम स्मूथ चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? या उस लड़की ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? अब झनक मर चुकी है, तुम उसकी हमशक्ल के पास जा रहे हो अनी? और बस खड़े खड़े अनी अर्शी की बातें भूत की तरह सुने जा रहा है, कुछ बोले बगैर। तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि तुम किसी भी लड़की के सामने जाके खड़े हो जाओगे और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी? हाउ चीप ऑफ यू। अर्शी, मैं सिर्फ ये देखने गया था कि कोई इतना झनक जैसा कैसे दिख सकता है। मुझे पता है
तो मेरा विश्वास नहीं करती, लेकिन असली वजह यही है। हाँ तो क्या बोला उन्होंने? देखो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि नूतन झनक जैसी दिखती है ना? और ये बात भी क्लियर है कि कुलभूषण और ब्रिजभूषण जुड़वा भाई हैं, तो ऑब्वियसली उनकी बेटियां भी सेम ही दिखती होंगी। मतलब जो है या जो नहीं है तुम्हारे लिए सब सेम है। झनक नहीं तो उसकी हम शक्ल ही सही, तुम्हारे लिए सब चलता है। इसका मतलब तुम्हें झनक से कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। सही कह रही हो तुम, तुम ये कह सकती हो मुझे, लेकिन मैं वहां प्यार ढूंढने नहीं गया था। मुझे अभी तक झनक की डेड बॉडी नहीं मिली है, बस मैं वही जानना चाहता था। क्या जानना चाहते थे तुम अनी? बॉडी को किसी ने पानी में बहा दिया होगा, वो कहीं जाके मिल जाएगी और क्या। एक इंसान की बॉडी को पानी से निकाल कर फिर से बहा देना, ये कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल भी नहीं है। उन लोगों ने झनक को पानी से बाहर निकाला होगा, उसे बचाने की कोशिश की होगी, और जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो मर चुकी है तो फिर से पानी में बहा दिया ताकि वो किसी झंझट में ना पड़े। सिंपल। पर अब एक के बाद एक अर्शी और अनी सारे पॉसिबिलिटीज पर बातें कर रहे हैं, झनक का होना ना होना, मरना या फिर कुछ और ही हो जाना। पर अनी के मन में अब भी एक अहम सवाल है। लेकिन अर्शी, झनक को किसने मारा है? मैंने तो नहीं मारा। अनी, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? मैं कोई पुलिस हूँ क्या? तुमने देखा ना, पुलिस भी उसके कातिल को नहीं ढूंढ पाई। तुमने भी तो बहुत ट्राई किया, तुम भी कहाँ ढूंढ पाए? अर्शी, मेरा ये मतलब है कि झनक को कौन मार सकता है? आई नो अनी, तुम्हें लगता है कि मेरी मॉम ने तेजस के साथ मिलकर झनक का मर्डर किया है, लेकिन तुमने देखा ना, पुलिस ने भी मेरी मॉम को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भी मेरी मॉम के खिलाफ कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला। झनक ने किसी लड़के को फंसाया होगा और फिर उस लड़के ने झनक का वो हाल करने से पहले झनक के खूब मजे लिए होंगे क्योंकि झनक इतनी कैरेक्टर है। पर अब अनी अर्शी को रोकता है इतनी बड़ी बात कह देने से। उसकी झनक ऐसी तो नहीं थी, वो स्वाभिमानी थी, अनी को पता है। और अब झनक के डिफेंस में उतरता है तो अर्शी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, प्लीज उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। मैं जानती हूँ झनक के बारे में कोई भी कुछ भी कहे तुम्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं उस लड़की को कैसे माफ कर दूं अनी, जिसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, सब कुछ जानने के बावजूद भी, ये जानने के बावजूद कि तुम और मैं शादी करने वाले हैं, वो मक्खी की तरह तुम्हारे आसपास भिनभिनाती रहती थी। ठीक है, तुम उसे कश्मीर वापस नहीं छोड़ पाए, वो एक बात है, लेकिन वो तो सब जानते हुए यहां तुम्हारे साथ आई। अनी, एक औरत होने के नाते ना, मैं कभी किसी का घर नहीं तोड़ सकती। अर्शी, झनक तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती थी, वो वैसी लड़की नहीं थी। हाँ, वो वैसी लड़की नहीं थी, मैं वैसी लड़की हूँ। वो एकदम बेस्ट इंसान थी, दुनिया की सबसे बुरी लड़की मैं हूँ, इसलिए गेस व्हाट, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अर्शी, और आज झनक के जाने के बाद अनी अर्शी का हाथ थामा है, उसका हाथ पकड़ा है, उसे रोकने के लिए, ना जाने के लिए। और यही हाथ पकड़ना कहीं अनी की सबसे बड़ी भूल ना हो जाए। पर क्या अर्शी अब भी रुकेगी या जाने का ठान लेगी? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।